हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितेश पटेल और आज हम सीखने वाले हैं जो टाइटल दिया गया है इंडिकेटर्स फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पर्सन। ये इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स मतलब आपने अभी तक जो भी गाइडिंग सिम्टम्स या फिर कीनोट सिम्टम या फिर जीनियस ऑफ द रेमेडी जो भी आपने जो पढ़ा है वही है, नया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने उसका नाम इंडिकेटर्स दे दिया है और इंडिकेटर्स इसलिए दिया है कि हम जब बाइक चला रहे होते हैं या फोर व्हील चला रहे होते हैं तो जब हमको साइड लेनी होती है तब हम इंडिकेटर देते हैं कि हमको लेफ्ट या राइट साइड जाना है। तो यहाँ पर भी मैंने इंडिकेटर्स दिए। बहुत सारे नियोनेट होम्योपैथ के लिए ये वीडियो मैंने खास करके बनाया है कि जिसकी ये कंप्लेन रहती है कि सर जो पेशेंट है वो एक्चुअली मेंटल्स नहीं देता है, तो मेंटल्स के लिए क्या किया जाए, और अगर मेंटल्स नहीं भी मिलते तो भी प्रिस्क्रिप्शन तो हमको करना ही है पेशेंट का, तो फिर हम उसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे करें। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस चालू किया था तब पेशेंट मेरा पेशेंट भी मुझे मेंटल नहीं देता था या फिर मैं मेंटल समझ नहीं पाता था, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस के ईयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेंटल कैसे लेना है वो हमको आता जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमको ज़्यादा डिफिकल्टी होती। तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इंडिकेटर्स फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पर्सन इफ यू डोंट गेट मेंटर व्हाट टू डू। इफ यू डोंट गेट मेंटल, If you not trained to elicit mental from patient, then आपको अगर mental मिल नहीं रहा है या फिर आपको patient दे नहीं रहा है या फिर आप patient के साथ rapport नहीं develop कर पा रहे हो जिसकी वजह से आपको patient सामने से mental नहीं दे पा रहा है, उस condition में भी आपको patient को medicine तो देना ही है। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी medicine उठा के दे दिया, आपको उसकी जो सिमिलिमम है वो medicine देना जरूरी है। और ज़्यादातर केस में मैं देखता हूँ कि जब भी आप उसका फिजिकल जनरल जो मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करने वाला हूँ उसको आप स्टडी करके उसको आप पेशेंट में से निकाल के जब प्रिस्क्रिप्शन बेस बना के उसको दोगे गोली कोई भी रेमेडी दोगे तो आप बाद में देखोगे कि तीसरे चौथे जब भी फॉलोअप आता है पेशेंट का तब आपको उसका मेंटल मिल ही जाता है। और वो मेंटल है वो जो आपने मेडिसिन दी थी उसके अकॉर्डिंगली ही मिलता है ज्यादातर केस में, ऐसा मुझे मिला है। क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई पेशेंट इज एज ए होल समझना है, तो अगर एज ए होल समझते हैं तो फिर उसका फिजिकल जनरल और मेंटल अलग कैसे हो सकता है, या फिर फिजिकल जनरल मेंटल दूसरी रेमेडी का कैसे दे सकता है। ज्यादातर केस में सेम ही देता है, एक्सेप्शनली 20% केस, लेकिन हम अगर 80% केस में भी मेडिसिन ढूंढने में सक्सेसफुल रहे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो चलो चालू करते हैं पहले मेरे इंडिकेटर से। तो यहाँ पर है एपेटाइट। आपने बहुत बार पेशेंट में पूछा होगा एपेटाइट कैसी है, कितना खाना खाते हो या फिर कितनी बार खाते हो, वो सब आप पूछते होगे। लेकिन कई बार पेशेंट आपको बताता है कि सर मैं सुबह में नहीं खाता हूँ, लेकिन के माइंड में आपकी माइंड की ट्रेनिंग नहीं हुई है इसलिए या फिर आपको पता नहीं है इसलिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि पेशेंट बोल रहा है मुझे सुबह में भूख नहीं लगती या फिर सुबह में मैं खाता क्यों नहीं हूँ। वो आप क्वेश्चन नहीं पूछते उसको कभी कि आप सुबह में क्यों नहीं खाते। अगर फीमेल है तो चलो समझ लिया कि किसी का वेट ज़्यादा है तो कई सारी फीमेल सुबह में नहीं खाती, वो मान लेते, लेकिन हमको यहाँ पे ढूंढना जरूरी है कि वो पेशेंट सुबह में क्यों नहीं खाता है या फिर दोपहर को क्यों नहीं खाता है। कई सारे पेशेंट में ऐसा मिलता है कि पेशेंट बोलता है सर मुझे आप दोपहर को भूख नहीं लगती है या फिर मुझे मॉर्निंग में भूख ही नहीं लगती है, अगर मैं जबरदस्ती खाने की कोशिश करूँ तो मुझे नोजिया वोमिटिंग होता है। तो ये जो है वो आपने जनरल्स मिस कर दिया। यहाँ पे जो एक इंडिकेटर्स दे रहा था कि आई एम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस रेमेडी, ऐसा कुछ इंडिकेटर्स दे रहा था आपने मिस किया कि भाई एपेटाइट मॉर्निंग में ही वॉन्ट हो जाती है मतलब चली जाती है या फिर उसको लगती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक एपेटाइट में है जो आप रेगुलर में पेशेंट बोलता है लेकिन आपके माइंड में वो क्या बोलते हैं मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ ऐसा कुछ होता नहीं है, और उसकी वजह से आप
उस मेंटल जो फिजिकल जनरल है, जो कि आपको उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता। मेंटल है तो आपको जेलसी है, या मैं कंफ्यूजन लू मेंटल लू या फिर वो लू, ऐसा मेंटल में आपको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन फिजिकल जनरल में आपको श्योर शॉट है कि भाई सुबह में मुझे भूख नहीं लगती, तो इसलिए मैं नहीं खाता, तो मॉर्निंग में ही वॉन्टिंग है पेशेंट के। तो आप इस इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, आपको बहुत सारे केस में मिलेगा। तो एपेटाइट का जो सब रूब्रिक है वो सब आप देखो, पेशेंट में आपको मिलेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कई सारे पेशेंट, खास करके आपने सोराइनम या फिर ट्यूबरक्युलिनम में सुना होगा, सल्फर में सुना होगा, कि उसको रात को भूख लगती है और रात को उठ के खाता है। तो वो पर्टिकुलर है कि भाई रात को उठ के खाता है या पर्टिकुलर। दूसरी चीज है, कई सारे पेशेंट बोलते हैं सर मुझे खाना खाने के बाद तुरंत सोना ही पड़ेगा, अगर नहीं सोऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी। तो ये भी एक पर्टिकुलर है कि स्लीपीनेस आफ्टर मील, तो वो भी आपको पेशेंट में मिलता है, लेकिन आपका माइंड उसको कैचअप नहीं कर पाता है कई बार, या फिर आप मेंटल के पीछे भाग रहे होते हैं इसलिए जो जरूरी डेटा है वो नहीं मिलता है। दूसरा मेरा जो इंडिकेटर है वो थस है, सेम अगेन टाइम मोडालिटी। इसके बारे में मैं बताऊँ तो मेरा जो क्लिनिक है, तो मैं सुबह में जब क्लिनिक पे जाता हूँ तो सुबह से 11-12 बजे तक मुझे बहुत प्यास लगती है, उसके बाद फिर मुझे दोपहर को इतनी नहीं लगती। सुबह में मैं 1-1.5 बोतल खत्म कर देता हूँ, दोपहर के बाद शाम के वक्त मुझे इतना प्यास नहीं लगता, मुझे सुबह में ज्यादा लगता है। तो ये टाइम मोडालिटी पर्सन में पर्टिकुलरली मिलेगा, आप थर्स्ट लेते हो, कितना पानी पीते हो, कितनी क्वांटिटी में पीते हो, कितने टाइम बाद पीते हो, वो सब भी पूछो। और उसमें भी आपको मिलेगा कि भाई सर मैं एवरी 15 मिनट्स लार्ज क्वांटिटी पीता हूँ, या फिर स्मॉल क्वांटिटी फ्रिक्वेंटली पीता हूँ, या फिर लॉन्ग इंटरवल में पीता हूँ, या फिर किसी पेशेंट को आप पूछोगे कि पानी के बिना रह सकता हो तो आप वो पेशेंट बोलेगा हाँ। कई बार पेशेंट बोलता है कि सर मैं पानी तो बहुत पीता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट थर्स्टी है। पेशेंट को पूछो कि आपको याद करके पीना पड़ता है कि आपको प्यास लगती है। थर्स्टलेस पेशेंट है वो, अभी क्या है कि मीडिया है या फिर हेल्थ अवेयरनेस है, तो पेशेंट याद करके पानी पीता रहता है। तो पेशेंट ऐसा बोलता है कि सर मैं ज्यादा पानी पीता हूँ, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट है वो थर्स्टलेस है, उसको याद करके पीना पड़ता है। ठीक है, तो ये थर्स्ट आप यूज कर सकते हो। तीसरा मेरा इंडिकेटर है स्टूल, उस इसमें भी टाइम मोडालिटी है कि पर्टिकुलर टाइम में ही उसको जाना पड़ता है। किसी का टाइम सुबह में होता है, किसी का टाइम शाम को होता है, किसी का दोपहर में, किसी का एक पेशेंट मेरे पास आया था उसको वो बोलता है सर मेरे फिक्स टाइम है, मुझे 3:30 से 4 बजे ही जाना पड़ता है। तो वो उसका स्टूल का फिक्स टाइम है। मैं मेरा एक पाइल्स का केस शेयर करता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक पेशेंट आया था और उसको पाइल्स था और उसको बहुत कब्जी का प्रॉब्लम था। तो जब मैंने उसकी मेडिसिन सिलेक्ट कर ली उसके जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स के ऊपर से, तब उसने लास्ट में मुझे कंफर्मेटरी सिम्टम दिया। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पेशेंट बताता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो लास्ट में समझ में आया था, पेशेंट बोलता है सर मैं सुबह में स्टूल पास करने के लिए जाता हूँ मुझे दर्द नहीं होता। पाइल्स है, थर्ड डिग्री पाइल्स है, वो सर्जन के पास दिखा के आया था, थर्ड डिग्री पाइल्स पाइल्स उसमें लिखा था। उसको सुबह में जब भी स्टूल जाता है उसको पेन नहीं होता, उसको स्टूल पास करने में जब 4-5 बजे, जो दूसरी बार जब पाइल्स ये पेशेंट पाइल्स का जाता था स्टूल पास करने के लिए, तभी उसको दर्द होता था। यहाँ पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई स्टूल पास करने की जो प्रोसेस है उसमें स्टूल पास होगा, थर्ड डिग्री इंटरनल पाइल्स है, तो वहां से वो स्टूल है वो घिसता हुआ जाएगा और दर्द करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे सुबह में नहीं हो रहा है, दोपहर को ही हो रहा है 4-5 बजे। तो ये उसका टाइम मोडालिटी था कि जो एग्रावेट करता था उसको। और जो मैंने मेडिसिन सिलेक्ट की थी वो लाइकोपोडियम थी, और उसका जो एग्रावेशन टाइम है वो आपको पता है 4 to 8 PM। तो यहाँ पर जब पेशेंट जाता था स्टूल पास करने के लिए तब उसको प्रॉब्लम होती थी, और जब मैंने उसको लाइकोपोडियम दिया तो मुझे 100% श्योरिटी थी कि ये मेडिसिन भी वर्क करेगी और इसका पाइल्स भी जो ब्लीडिंग हो रहा था पेन हो रहा था वो सब चला जाएगा, तो उसमें आराम मिल गया उसको। तो ये जो बात है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सही से पेशेंट को सुनो, पेशेंट जो बता रहा है आप सुनोगे आपको उसमें से ही ऐसी कुछ मोडालिटी ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो। तीसरा मेरा है, ये सबसे कम यूज होने वाला जो जनरल से या फिर इंडिकेटर से
सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ और सबसे ज्यादा आप यूज कर सबसे कम आप यूज करते होगे। पेशेंट बोलता होगा सर वीकनेस है, आप उसको फालतू में ही जाने देते होगे कि ये वीकनेस तो सब केस में आता ही है ना, कोरोना है या फिर कुछ भी है, डायरिया है, पेशेंट को कैंसर है या फिर पेशेंट को कुछ भी है, वीकनेस तो आएगा ना, ऐसा आप मान के चलते हो कि वीकनेस आएगा। यस डेफिनेटली वीकनेस आएगा, लेकिन वीकनेस का अगर आप सब रूब्रिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर वीकनेस को आप सही से समझोगे कि वीकनेस आता है, सबको आता है, लेकिन अगर 10 मलेरिया के पेशेंट आप देखोगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि उसमें से 8 लोगों को ही वीकनेस है, वो फर्स्ट या सेकंड डिग्री में, जो 2 लोग है उसको इतनी ज्यादा वीकनेस है कि वो बेड से खड़े नहीं हो पा रहे। उसका ओडीपी सेम था, ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस सेम था कि भाई उसको ये तारीख को ही स्टार्ट हुआ था फीवर और 3 दिन ही हुआ है सब पेशेंट को, 10 पेशेंट को, और ये 2 पेशेंट है उसको ही ज्यादा है। खास करके आर्सेनिक और चाइना जब मेडिसिन आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आउट ऑफ प्रोपोर्शनल, आपने बहुत बार मटेरियल में पढ़ा है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शनल वीकनेस, डेट मीन्स कि जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली वीकनेस नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको कुछ रूब्रिक सब रूब्रिक आपको मैं मेरे जो रडार सॉफ्टवेयर है उसमें से बताता हूँ कि कैसे वीकनेस में सब रूब्रिक है, आपने मिस किया है अभी तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यूज करो, आप पेशेंट को पूछो, कंफर्म करो और यूज करो। अगर मेंटल नहीं मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, आप यूज करके उसका फायदा उठाओ और प्रिस्क्रिप्शन श्योर शॉट करो। एट द एंड मेरा आपका सिखाने का यही मतलब है कि आपको रेमेडी ढूंढना है, वो मेंटल से ढूंढो, फिजिकल जनरल से ढूंढो, पर्टिकुलर से ढूंढो, पेशेंट को आराम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रूब्रिक ले लेता हूँ, वीकनेस, वीकनेस में जनरलिटी में वीकनेस रूब्रिक, और वीकनेस रूब्रिक में आप देखोगे यहाँ पे एपोप्लेक्सी फ्रॉम एंजाइटी, एंजाइटी विथ वीकनेस है, फिर असेंडिंग स्टेयर ऑन है, फिर एक बहुत अच्छा रूब्रिक था, जब भी एक पेशेंट था बोलता था सर थोड़ा सा भी मैंने कुछ हाथों में उठा लिए तो मुझे इतना वीकनेस फील होता है। रूब्रिक है वीकनेस लिफ्टिंग फ्रॉम, कुछ भी उठा था, यहाँ पे 3 रेमेडी है, कार्बोनियम एनिमालिस कालिस कैलियम सिलिकाटा एंड नेट्रम का, तो यहाँ पे फिर वीकनेस है लिवर कंप्लेन विथ लुकिंग डाउन ऑन लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लूइड डायरिया है या फिर लुकोरिया है, मेंसिस है या फिर एब्सेस भी ले सकते हो आप एज ए जनरल ले सकते हो, फिर फॉस्फोरिक एसिड जिसमें अनफॉर्चुनेट लव फ्रॉम, जहाँ जो फॉस्फोरिक एसिड आप बहुत अच्छी तरह से उसका मेंटल जानते हो इसलिए मुझे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मेस्टुबेशन फ्रॉम है आफ्टर मीट, जब भी मैं मीट खाता हूँ तब है, मेंसिस बिफोर बिगिनिंग ऑफ ड्यूरिंग है, तो ये सब वीकनेस के जो सब रूब्रिक है वो आपने कभी नहीं यूज किया है और आपको ये यूज करना चाहिए। आप इसका यूज करके आप पर्टिकुलर इंडिकेटर्स बोल सकते ढूंढ सकते हो पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, सो यूज करो आप और इसका फायदा उठाओ कि आप कैसे एक रेमेडी की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे मीट आफ्टर देखो वेराटम आल्बम सिंगल ड्रग है, तो ये जो ड्रग है ये पर्टिकुलर है, फिर वीकनेस, इसके बाद है स्लिप, स्लिप में भी मैं जो स्लिप में यूज करता हूँ मेरे खास करके स्लिप में आपने कैसी नींद आती है, पूरी नींद आती है कि टूट टूट के आती है, मतलब नैप लेते हो तब क्या होता है, ड्रीम्स कैसे होते हैं, ये सब आप पूछते हो, लेकिन स्लिप में स्लिप पोजीशन पर्टिकुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पेशेंट को पूछो कैसे उसको अच्छे से अच्छी नींद आती है, तो पेशेंट बोलेगा सर मैं जब एब्डोमेन के ऊपर सोता हूँ, खास करके मेडोरिनम पेशेंट है, दूसरी भी रेमेडी है लेकिन यहाँ पे जो 3 मार्क रेमेडी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो एब्डोमेन के ऊपर है तभी मेरे को नींद आती, कोई बोलता है सर मैं बैक पे सोऊँ तभी मुझे नींद आती, कोई बोलता है मैं ये लेफ्ट साइड में नींद आती, कोई बोलता है सर मैं पिलो जब हाई लूँ तभी मुझे नींद आती, या फिर कोई बोलता है सर मैं यहाँ पे सर्वाइकल रीजियन पे जब पिलो रखूँ तभी मुझे नींद आती, या फिर कोई पेशेंट बोलता है कि सर मुझे है ना रात को ऐसे करके सोना पड़ता है, हाथ जो है वो फोरहेड के ऊपर रख के सोना पड़ता है तभी नींद आती,
या फिर किसी को ऐसे सर के पीछे हाथ रख के सोने की आदत होती, तो पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर स्लीप पोजिशन होती है, उसका उपयोग आप करो। दूसरी चीज है वो कवरिंग डिजायर, जब सोता है तब कवर लेता है या नहीं लेता, अगर लेता है तो कितना पार्ट कवर करता है। कोई पेशेंट बोलता है सर मुझे पैर है वो खुले चाहिए, फीट ओपन चाहिए, तो सल्फर है आपको पता है, बहुत सारी रेमेडी है नेटम यूरेट जिसको पर्टिकुलरली फीट ओपन चाहिए जब सोता है तो। कोई है उसको वो बोलता है सर मेरा मुंह ढका रहना चाहिए, खास करके ऐसे पेशेंट जिसको डायरेक्ट ओपन एयर या फिर डायरेक्ट ड्राफ्ट ऑफ एयर से एग्रावेशन होता वो मुंह ढक के सोएगा। दूसरा कोई पेशेंट है उसको वो बोलता है सर मैं गले तक ही लेता हूँ, पूरा नहीं कवरिंग करता हूँ। खास करके ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि कवरिंग फुल लेते हो कि गले तक लेता हूँ। ज्यादातर पेशेंट ऐसा बोलते हैं गले तक लेता हूँ, पूरा लेता हूँ तो मुझे घबराहट सी हो जाती है। आप रूब्रिक देखो स्लीप पोजिशन में, स्लीप सॉरी जनरलिटी में है कवरिंग रूब्रिक, कवरिंग एग्रावेट हेड 41 रेमेडी है। आपने लेस यूज रूब्रिक या फिर इंडिकेटर्स है जो आप लेस यूज करते हो, ज्यादातर पेशेंट में आपको ऐसा बोलेगा कि मैं हेड कवरिंग करता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। कई सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं सर मुझे होल कवरिंग चाहिए, तो इसका उपयोग आप करें। फिर हेड पोजीशन है, हेड पोजीशन में मैंने आपको बताया कि फुल कवरिंग चाहिए उसको, या फिर उसको तकिया है वो हाई चाहिए, किसी को तकिया चाहिए ही नहीं तो जो हेड पोजीशन है वो लो समझ सकते हैं। फिर है मेंसिस, मेंसिस में अगेन हम सब कुछ पूछते हैं, एक बहुत बार मटेरियल में हमने रीड भी किया है लेकिन हम पूछते नहीं कि कब ज्यादा फ्लो आता है। टाइम मोडालिटी हम मेंसिस में भूल जाते हैं कि कब ज्यादा फ्लो आता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, या फिर रात को, या फिर आप जब भी कुछ काम कर रहे होते हो तब, या फिर कुछ आप बैठे हुए हो तब, रेस्ट कर रहे हो तब, या फिर मोशन कर रहे हो तब, तो ये आपका फेवरेट होना चाहिए, आपका ये इंडिकेटर्स आप यूज करो। उसके सिवा है माउथ, माउथ में खास करके टेस्ट ड्यूरिंग इलनेस। जो मेरा पाइल्स वाला पेशेंट था जो मैंने आगे जो आपको बताया, उसने मुझे बताया था कि सर मुझे मुंह में है ना स्वीटिश टेस्ट रहता है, मतलब कि स्वीटिश टेस्ट रहता है उसकी वजह से क्या हो रहा है। पेशेंट ने मुझे बोला सर मैं कितना भी तीखा खाऊं, मैं मिर्च भी खाऊं तो मुझे तीखा नहीं लगता, क्योंकि माउथ इज टेस्टिंग स्वीटिश। तो वो भी एक रूब्रिक है कि टेस्ट कैसा आ रहा है मुंह में। या फिर मेरी जो फेवरेट है, मैं अगला वीडियो टंग पे बनाने वाला हूँ कि आप टंग एग्जामिनेशन एक्यूट और क्रॉनिक में करके आप उसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन एक्यूट में और क्रॉनिक में कर सकते हो, और उसका उपयोग आप प्रिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हो, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा अलग से टंग के ऊपर की कैसी कैसी टंग होती है और उसको हम कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट करके कैसे प्रिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये माउथ है। उसके बाद है डिस्चार्ज। हम ज्यादातर कोराइजा का पेशेंट आता है या फिर पस लेके कोई एब्सेस पेशेंट आता है, तो हमने बहुत बार मटेरियल में पढ़ा है कि इजी ड्राई, इवन एक रेमेडी में ऐसा है कि अल्सर में जब भी मेडिसिन ड्राई हो जाती, सॉरी डिस्चार्ज जो है ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमने ड्रेसिंग किया हुआ है वो भी उससे चिपक जाता है एकदम से, जैसे कि नई चमड़ी आई हो, और जब वो ड्रेसिंग निकालने जाए तब फिर से वो पार्ट है वो उजिंग करने लगता है। तो ऐसा डिस्चार्ज है। और कोराइजा में भी आपने नहीं, मैं बार बार पूछता हूँ कि पानी गिरता है या फिर नाक जो है डिस्चार्ज ठीक है या फिर एकदम मध जैसा चिकना चिकना है, तो एक कंसिस्टेंसी आप पूछो डिस्चार्ज का, या फिर आप पर्सपिरेशन या फिर ल्यूकोरिया है वो कैसा है, या फिर आप उसको हाँ ल्यूकोरिया में एक है कि हार्ड जो पेड है जो फीमेल यूज करते हैं वो एकदम से हार्ड सा हो जाता है ऐसी है, तो वो डिस्चार्ज पर्टिकुलर ऐसा है इसलिए ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है मेरा फेवरेट पर्सपिरेशन। खास करके आप पार्ट्स के बारे में पूछिए कि कौन से पार्ट्स पे होता है, किसी को फॉरहेड पे होता है, किसी को ईटिंग ड्यूरिंग फेस पे होता है, किसी को ये टिप ऑफ नोज पे ही होता है, किसी को ये पाम और सोल पे होता है। खास करके कई सारे पेशेंट में पाम और सोल का उसको पता नहीं रहता कि पर्सपिरेशन मुझे हो रहा है ज्यादा, वो बोलता है नहीं होता, लेकिन इसके लिए मैं हमेशा करता हूँ कि उस पेशेंट का, अभी तो कोरोना चल रहा है तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखना,
लेकिन मैं सब पेशेंट में देखता हूँ कि पाम उसकी भीगी हुई है कि सूखी हुई है, या फिर पेशेंट को मैं पूछता हूँ कि अगर आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है या फिर आप लिख रहे हो, खास करके स्टूडेंट है तो लिख रहा है या फिर बाइक चला रहा है, तो जब भी कुछ पकड़ा होता है तब आपको बार बार जैसे हाथ साफ करना पड़ता है। जिसको भी पाम में ज्यादा परस्पिरेशन होता होगा उसको हाथ में हाथ साफ करना पड़ेगा। दूसरा है जिसको बैक में ज्यादा परस्पिरेशन होता होगा, तो जैसे ही वो कोई भी सपोर्ट लेगा चेयर या किसी चीज का, तब उसका पूरा बैक है वो भीग जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि परस्पिरेशन है वो प्रोफ्यूज है ऑन बैक पर्टिकुलरली। फिर एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो बोलता था जब भी मैं स्टूल पास करने जाऊँ स्टूल इतना हार्ड नहीं था। यस, यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन करना जरूरी है, लेकिन स्टूल हार्ड नहीं होने की हार्ड नहीं था, फिर भी पेशेंट को स्टूल पास करने जब भी जाता था तब तो उसको प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होता था। जब भी वो बाहर आता था तो पूरा भीगा हुआ आता था। तो ये रूब्रिक मुझे भी मिला था, सिम्पटम मुझे भी पेशेंट को मिला था, तो मैं इससे यूज करता हूँ। तो इतने सारे जो है वो आप इंडिकेटर्स है, ये पर्टिकुलरली आपने अभी तक मिस किया होगा। अगर आपको मेंटल नहीं भी मिल रहे, मैं आपको श्योर शॉट देता हूँ कि आप ये सब पूछिए सवाल, आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और उसको आप बेस बना के होम्योपैथिक में प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हो। और जब दूसरी तीसरी चौथी बार आएगा पेशेंट तब आपको वो मेंटल देगा, और तब आप कोरिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मेंटल जो है जो मैंने मेडिसिन दिया था उसका ही है। और इसलिए आप कंफर्म हो जाओगे कि ये रेमेडी इसको 100% क्योर करती है। तो ये मेरा जो इंडिकेटर्स का है आप यूज करो, खास करके जो नए होम्योपैथ है या फिर जो होम्योपैथी सीख रहे हैं अभी, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यूज, एंड जो भी आपको अगर फायदा मिले प्रैक्टिस में तो मुझे रिव्यू करना, और मैं आपको ऐसे इंडिकेटर्स आपको वीडियो बना के दूंगा, आप उसका भी यूज करके आप सक्सेसफुली पेशेंट ट्रीट कीजिए। और मैं आगे आपको एलर्जी के बहुत सारे पेशेंट का वीडियो विथ प्रिस्क्रिप्शन विथ हिस्ट्री और मैं कैसे एलर्जिक पेशेंट को ट्रीट करता हूँ उसका भी वीडियो दूंगा। थैंक यू।